अगर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए अलग होना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मतलब कोर्ट के ऑर्डर आए, इसके हिसाब से हमें 180 दिन साथ रहना होगा, तभी हमें डिवोर्स मिलेगा। क्योंकि जज का मानना है कि हमारे रिश्ते में अभी भी उम्मीद है। जिस रिश्ते ने दम तोड़ दिया उसमें किसी चीज की उम्मीद कैसे रह सकती है? मैं जानता हूं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स तो मानने ही होंगे हमें। हम दोनों को एक छत के नीचे रहना होगा। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हाथ छोड़ो मेरा। साहबा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है अंगद। दिल का रिश्ता प्यार की डोर से जुड़ा होता है, और जब वो डोर ही टूट गई है तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। हाथ छोड़ो मेरा। साहबा, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हें सही मायने में इस रिश्ते को खत्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। आज चलो। कल देखो, तुमने मेरे साथ यही किया था, और आज जब मेरा हाथ तुम्हारी तरफ पड़ा है तो तुम हैरान लग रहे हो। अब तुम मेरे पति नहीं हो अंकित, वो हक खो चुके हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जब आप पर कोई हाथ उठाता है तो कैसा महसूस होता है। अगर तुमने मुझे थप्पड़ मार भी दिया होता तो मैं वो थप्पड़ खा लेता, उसे अपनी गलती की सजा मान के। क्योंकि तुमने चाहे जो भी किया, जो भी कहा, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। लेकिन उठाया ना। आपने क्या सोचा, आप क्या सोचते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपने क्या किया वो मायने रखता है। मिस्टर अंगद सिंह ब्रार, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं अंगद। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है साहिबा। अरे तू तो कभी किसी की बदतमीजी बदसलूकियां सहने वालों में से नहीं है पुत्र, फिर तुझके साथ जा कैसे रही है। अगर कुछ दिनों का साथ मुझे जिंदगी भर के दुख से छुटकारा दिला सकता है तो मैं तैयार हूं पापा। इस रिश्ते की जंजीर से हमेशा के लिए आजादी पाने के लिए मुझे 180 दिन की कैद मंजूर है। मैं कोर्ट का ऑर्डर मानूंगी ताकि जो रिश्ता मेरे दिल में दम तोड़ चुका है दुनिया की नजर में भी उसका अंतिम संस्कार हो जाए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।